दूसरों को धोखे और फरेब से बचाने वाले वकील के साथ खुद फ्रॉड हो गया। 70 साल बुजुर्ग शहरी ने इनके घर पे कब्जा कर दिया। उनका जो असल नाम है ना वो है यूनस वल्द नथू खान और वो रेलवे के एम्प्लॉय हैं। मगर उन्होंने कोर्ट को चीट ये किया कि एक मुनीर नामी बंदे की प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा उसका भी एक बेटा यूनस था जिसकी डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने उस यूनस के नाम को यूज किया कि जी ये यूनस मैं ही हूँ, अगर इसका मुनीर की बल्दियत से कोई ताल्लुक है मैं प्रॉपर्टी ये वीडियो बयान में मैं विड्रॉ कर दूँ। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट इत्शामुल्ला बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। दूसरों को धोखे और फरेब से बचाने वाले वकील के साथ खुद फ्रॉड हो गया। 70 साल बुजुर्ग शहरी ने इनके घर पे कब्जा कर दिया। आखिर क्या मामला था, कैसे कब्जा किया और इन पर ही वो सारा केस पड़ रहे हैं, क्या मामला जानते हैं इनकी जबानी। चलो हुआ ये है कि पोजेशन भी घर का मेरे पास था, सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो भी ट्री है वो सब मेरे पास हैं, मगर वो उन्होंने एक फेक प्रोसीडिंग कर की, डमी बंदे खड़े करके उन्होंने एक फर्जी बैलफ लेके ना कोर्ट से झूठ बोल के, कोर्ट से जो वो बकायदा कोर्ट के अंदर भी प्रोसीडिंग है, तो उन्होंने जो सारा जो ऑपरेशन था वो उन्होंने सारा सस्पेंड कर दिया। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जिन बंदों ने ये प्रोसीड किया है इनके खिलाफ 476 की हम कार्रवाई इंशाल्लाह आज मैंने एप्लीकेशन कोर्ट में पुटअप कर दी है। सर इतनी सस्ती अदालत है, इतनी नाहल है कि उन्होंने झूठी कार्रवाई पे इनिशिएटिव ले लिया। यार वो बेसिकली जो रेंट कोर्ट है ना, रेंट कोर्ट के अंदर वो इतनी डिटेल में नहीं जाते, वो ये देखते हैं कि ठीक है भाई एक रेंट एग्रीमेंट लगा हुआ है, फिर वो एक प्रोसीडिंग ऐसे करते हैं वो जो फेक उन्होंने टेनेंट बनाया होता है, किराएदार बनाया होता है, वो कोर्ट के अंदर आके बयान दे देता है कि जनाब मैं मकान खाली कर दूंगा, थोड़े अरसे बाद मुझे मकान मिल नहीं रहा, वो कोर्ट भी एतमाद करती है। बल्कि मैं तो जज साहब की जब कोर्ट में जब जज साहब को बताया तो जज साहब भी सर पकड़ के बैठ के कहते यार इतना लाहौर के अंदर फ्रॉड होता है। सर वो बड़ा अजीब फ्रॉड हुआ है कि वो जो बुजुर्ग हैं 70 साल बुजुर्ग, वो कहते हैं उनकी तो कमर सीधी नहीं होती, उन्होंने आपको वो हाथ फेर दिया। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि उनका जो असल नाम है ना वो है यूनस वल्द नथू खान ठीक है, और वो रेलवे के एम्प्लॉय हैं, स्टिल अभी तक वो रेलवे से पेंशन ले रहे हैं। 25 साल उन्होंने रेलवे में नौकरी की है, 95 में वो रिटायर हुए हैं, 95 से 2023 आ गया, तकरीबन 28 साल से वो रेलवे में पेंशन ले रहे हैं। किस नाम से? यूनस वल्द नथू खान। मगर उन्होंने कोर्ट को चीट ये किया कि एक मुनीर नामी बंदे की प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा उसका भी एक बेटा यूनस था जिसकी डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने उस यूनस के नाम को यूज़ किया कि जी ये यूनस मैं ही हूँ, तो और वो कोर्ट से उन्होंने कहा कि फेक पावर ऑफ अटॉर्नी बंदे को दिया। वो कोर्ट की सिर्फ उसमें आज हमने जज साहब को सिर्फ उसको उनका ध्यान दिलाया कि सर ये यूनस वल्द नथू खान और है, और ये यूनस वल्द मुनीर खान जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, जिसके बच्चे से यामीन आगे दाने और उसके बच्चे से मैंने प्रॉपर्टी परचेज किया, बकायदा उसकी सारी फैमिली ट्री, उसके ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, उनके आईडी कार्ड, हर चीज़ मेरे पास है। ये देखें कि कोर्ट ने इतनी प्रोसीड की है, बेलफ डिप्यूट कर दिया और बेलफ के बाद मेरे से कब्जा मेरे से ले लिया, और मैं फर्स्ट डे कोर्ट के अंदर पेश हुआ हूँ, जज साहब ने सारी प्रोसीडिंग सस्पेंड कर दी है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि यार ये फैक्ट्स जो अब मेरे सामने आ रहे हैं ये पहले तो मेरे सामने नहीं थे, फिर मैंने उनको एक थाने के अंदर एक हमारी एक SSP साहब ने एक मीटिंग सी करवाई थी, उसके अंदर उन्होंने इफ्तिखार रसूल बाजवा साहब हैं DSP, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप इस मैटर को ज़ाती तौर पर देखें और इसको इंक्वायरी करके आप मुझे इसकी डिटेल बताएं। उस इंक्वायरी के अंदर वो DSP इफ्तिखार रसूल बाजवा साहब, वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी भी मैंने एक दो वो जो इंटरव्यू लेने हैं उनको भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए आपको भी, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुझे उन्होंने मालिक डिक्लेयर किया। मगर कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं जी बहुत बड़ा कब्जा माफिया है, ये 4-5 भाई वकील हैं, इन्होंने बेशुमार प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर लिया। मैं तो कहता हूँ मैं इतना बड़ा कब्जा माफी है, DIG भी मेरा साथ दे रहा है, SSP भी मेरा साथ दे रहा है, DSP भी, मैं नाम ले रहा हूँ DSP इफ्तिखार रसूल बाजवा साहब, ठीक है वो भी मेरे साथ हैं, उस टाइम मुतलका SHO असदुल्ला खान साहब थे वो भी मेरा साथ दे रहे थे, मगर इफेक्ट्स ऐसा नहीं है। उसमें हकीकत ये है कि बेसिकली मैं राइट पे हूँ। आज भी मैं कोर्ट में प्रोसीडिंग के लिए गया हुआ था, ये थाने के बाहर खड़े हुए हैं, कोर्ट में मैं प्रोसीडिंग के लिए गया हुआ हूँ, तो मुझे घर से कॉल आती है कि भाई 5-7 नामालूम अफराद आपके घर के अंदर एंटर हो गए, उनके पास वेपन है। मैंने 15 पे कॉल की, SHO दानियल गुजर साहब हैं, इनकी बरवक्त कार्रवाई से खुद मौके पे गए, इन्होंने रेड हैंडेड वहाँ बंदे मेरे घर से बरामद कराए हैं। सर ये कौन सा बंदा है 70 साल बुजुर्ग जो कि बंदे लेकर आप केस चला रहे हैं हाई कोर्ट में और जाके पीछे बंदे बिठा देता है, क्या कोई ताकत है? कोई पीछे ताकत नहीं, बस एक ब्लैकमेलर, जब इंसान के दिल के अंदर लालच आ जाए ना तो लालच ऐसी चीज़ है कि ये तबाही फैलाती है हर तरफ तबाही। अभी ये मैं आपको FIR भी दूंगा, उन सारे बंदों के ऊपर FIR हो गई, DSP साहब खुद मौके पे मौजूद है, DSP साहब ने मुझे भी बिठाया, उनको भी बिठाया और उनसे भी यही पूछा कि जी आपका घर है कि उनका घर है। मैं बता रहा हूँ कि वो बंदे इतने दीदा दिलेरी के साथ झूठ बोलने लगे, कह रहे जनाब ये घर हमारा है। मैंने कहा सर मैं ये भी बता सकता हूँ कि उस घर में जो फ्रिज है उस फ्रिज के अंदर आइटम कौन कौन सी पड़ी हुई है, मैं तो ये भी बता सकता हूँ, और उस घर में कितना कैश पड़ा हुआ है। तो वो DSP साहब ने कहा कि जी आप बताएं जी घर में कितना कैश है।
तो दूसरी जिन पे अभी एफआईआर जो बंदे मेरे घर में ना मालूम गए, उन्होंने कहा जी कैश तो मारा मारी जेब में। मैंने कहा सर मैं बताता हूँ, घर में 5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ। उन्होंने सब इंस्पेक्टर नवाज को घर भेजा और 5 लाख रुपए जब मैंने उनको कैश दिखाया तो उन्होंने कहा इन पे एफआईआर दे दें, ये आपके घर के अंदर एंटर क्यों हुए। अच्छा सर, सारे मामले में आखिर यूनुस नथू खान को आपसे क्यों कोई ऐसा कोई मसला है, वो आपके घर पे क्यों कब्जा करता है? इतना बड़ा लाहौर है, उनके बाकी लोगों के घर में कब्जा क्यों नहीं? यार बेसिकली उसका जो घर है ना वो मेरे घर के साथ लगता है, तो वो मेरी जो जगह है वो थोड़ी कमर्शियल जगह है। वो ये चाहता है कि ये कमर्शियल जगह जो है ना, वो शुरू में वो खुद उसको परचेज करना चाहता था, वो जिससे मैंने परचेज कर ली ना, बस उसने उस टाइम से वो टसल की ये जगह मेरी थी, ये है वो है, जबकि हर जगह से हर फॉरम से मैं विनू हूँ। हमने जज साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब इस बंदे का नादरा से आप डाटा मंगवा लें, अगर तो ये मुनीर का बच्चा है, अगर इसका मुनीर की वल्दियत से कोई ताल्लुक है, मुनीर के लीगल हेयर्स में इनहेरिटेंस में ये बंदा आता है, मैं प्रॉपर्टी ये वीडियो बयान में मैं विड्रॉ कर दूँ। ये बंदा यूनुस नामी बंदा अगर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट्स सिंगल दिखा दे, मैं प्रॉपर्टी से विड्रॉ कर दूँ। कितनी मैं बड़ी बात कर रहा हूँ यार। देखें आखिर ये थाना है, इसमें इतनी अंधेर नगरी नहीं है कि सिर्फ वकील होना ही काफ़ी नहीं है, कि वकील है तो सारा अमला आपके साथ है। सिर्फ वकीलों को, पुलिस वालों को बदनाम, SHO के खिलाफ इतनी पोस्ट चल रही है जी, वो कब्जा माफिया के साथ मिल गया। मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस जब गई है उन्होंने ऊपर से पुलिस को ईंटें मारी हैं, SHO ने बर वक्त कार्रवाई की है, बकायदा DSP साहब मौके पे आए हैं। मैं तो कह रहा हूँ हाई ऑफिशियल के नोटिस में जब ये बात जाएगी तो वो IG साहब अपने SP से पूछेंगे, SP साहब जब मुतलका DSP से पूछेंगे तो DSP साहब खुद कहेंगे मैंने ज़ाती तौर पे इसको मसले को देखा है और मैंने खुद इंक्वायरी की है। वो घर से कैश निकल, घर उन्हीं का था, मगर कुछ हमारे भाई हैं वो यूट्यूबर हैं या दूसरे चैनल वाले हैं, वो दिखाएंगे जी कब्जा माफिया वकील है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे अपनी वल्दियत चेंज करना फ़कत कुछ टाइम के लिए, इस पर कौन सी सेक्शन लगती है? यार उन्होंने वल्दियत तो चेंज करने में इसमें 419 का पर्चा होता है, ठीक है, मगर मैं मुझे लोग कहते हैं कि इस पर पर्चा क्यों नहीं कराता, मैं इस पर पर्चा इसलिए, मैंने कहा यार बुजुर्ग आदमी है अच्छा नहीं लगता, मैं फिर भी इसके साथ लीनियंट व्यू रखता हूँ। पता लगा बीमार हैं तो हमने तो उनके लिए पहले भी मैंने बताया कि यार फूलों का गुलदस्ता इनके लिए भेजा कि चले अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आज इस बात को 6 दिन गुजर गए हैं, मगर जिस दिन इन्होंने मुझसे फेक बैलफ के थ्रू, फेक प्रोसीडिंग के थ्रू इन्होंने मुझसे जब कब्जा लिया है, इनको तो खुश होना चाहिए था कि भाई हमें तो एक मसाला घर मिल गया। जिस बंदे को भी घर मिले, को मोटरसाइकिल मिले, कोई चीज़ मिलती है वो खुश होता है। वो उनको घर ऐसा मिला कि वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए हैं, 7 दिन हो गए निकल ही नहीं रहे। वो उनको सिर्फ इशू ये है कि इसको ब्लैकमेल किया, जब मैंने 2 दिन पहले भी किया हाइप क्रिएट की कि उनकी डेथ हो गई 80 साल बंदे की और ये वकीलों का कब्जा माफिया है और SHO इनके साथ मिला। आज देखें जी 6-7 दिन गुजर गए हैं, माशाल्लाह वो बुजुर्ग आज भी जिंदा है, ठीक है, और आज मेरे घर के अंदर ज़बरदस्ती घर में बंदे एंटर हुए हैं। बाकायदा वो FIR दिखाइएगा, उसमें सेक्शन क्या लगे हैं, उसमें क्या क्या उनके बंदों के नाम। तो जुल्म ज्यादती तो यार हमारे साथ हो रही है, फकत हमारा वकील होना ही ये इस में एक गुनाह बन गया कि यार ये वकील है यही गलत होगा।